प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और संस्थानों को ज्यादा समावेशी, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाने का किया आह्वान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज उधमपुर सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों पर आज होगा चुनाव। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक झारखंड विधानसभा परिसर में होगा मतदान। शाम तक नतीजे होंगे घोषित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर SBI आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की यूनिक ID और सीरियल नंबर करेगा साझा। कोर्ट ने स्टेट बैंक को आज शाम तक सभी जानकारियां सार्वजनिक करने का दिया था निर्देश। ED के नवे समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी आज। शराब नीति मामले में होगी पूछताछ। प्रबोवो सुबियांतो बने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गिब्रान राकाबुमिंग राका को अगला उपराष्ट्रपति किया घोषित। 20 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार। और खेल की खबरों में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भारत की PV सिंधु का जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा सामना। वहीं पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत की मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जी जिया से होगी भिड़ंत। तो नया समय में जानते हैं पहले सबसे देश भर से जुड़ी खुशखबरी।